मैं अदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट बटन दबाकर 18 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों में इक्यानवे एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन करें आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम एफ ट्रांसमिटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के दो करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स एस्पिरेशनल ब्लॉक्स उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा युवा मित्रों को होगा इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का सौवा एपिसोड करने जा रहा हूं मन की बात का यह अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था आज के इस आयोजन की एक और खास बात है ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो किसानों को फसलों फल सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटाइजेशन इसके लिए काम कर रही है भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना एफोर्डेबल बनाना इसका बहुत बड़ा माध्यम है आज भारत में जिस तरह गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है उसने एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है आजकल हम देखते हैं देश के कोने कोने में गांव गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेनर्स बन रहे हैं गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे मछुआरे साथियों को मौसम संबंधी सही जानकारी सही समय पर मिलती है आज देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा चार करोड़ तीस लाख घरों में पहुंच रही है देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है डीटीएच हो या फिर एफएम रेडियो इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में झोंकने के लिए एक विंडो देती है हमें इसी भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है साथियों एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम एम ट्रांसमिटर्स से ब्रॉडकास्ट होगा यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती बल्कि लोगों को भी जोड़ती है कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरूप पे क्यों न हो उसका उद्देश्य होता है देश को जोड़ना 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ना ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए भी यही विजन होना चाहिए यही मिशन होना चाहिए एक बार फिर आकाशवाणी को देश के दूर दराज के क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बहुत बधाई देता हूं धन्यवाद नागालैंड टीवी सॉप मनोला का आवाज वॉचर्स लाइव ऑन जियो टीवी एंड ऑन योर टेलीविजन सेट्स एज वेल फॉर दिमापुर वी आर ऑन चैनल नंबर 994 इन ग्लोबल चैप्टर एंड कोहिमा एंड मोकोचोंग व्यूवर्स स्विच टू चैनल नंबर 138 ऑन हॉर्नबिल डिजिटल For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.